अपनी गलतियों को बताना चाहूंगा पहले जी, ताकि definitely. बाकी स्टूडेंट्स वो गलती ना करें जी. शुरुआती दौर पे सर मैं किसी का गाइडेंस नहीं ले रहा था जी. और मुझे जो भी नॉलेज इधर से भी मिल रहा था मैं बुक्स कलेक्ट करता जा रहा था. दोस्तों बहुत सारे छात्र आप में से अवॉइड करते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना, और जबकि मेरा मानना है इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट, और ये ऑक्सीजन है आपके एग्जामिनेशन के लिए. सो करंट अफेयर्स के लिए आप लोकल दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, नेशनल न्यूज़ के लिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी के हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, डीडी न्यूज़ है, ऑल इंडिया रेडियो है, इनकी साइट से भी आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं. हाँ, मुझे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद आता है सर जी. कि नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी का वन में क्या उपयोग है सर? अच्छा, ये प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसका उत्तर अच्छा दिया. अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी. सीजीपीएससी ने जॉइंट फॉरेस्ट एग्जाम, छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट सर्विस कहना चाहिए, 2020 के नोटिस पर ये एग्ज़ाम हुआ था और फाइनली रिजल्ट 2023 में आया. दोस्तों लंबी यात्रा रही लेकिन फाइनली बहुत सारे छात्रों ने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है. पाथाइस एकेडमी से लगभग 70-75 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है. सो हमारे साथ अर्पित हैं और अर्पित को 13th रैंक के साथ ACF का पद मिला है. अर्पित कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. और अर्पित की जर्नी बहुत अच्छी रही है, कई सारे एग्जामिनेशंस को आपने क्रैक किया है, किसी में सिलेक्शन लिया, किसी में किसी कारणवश नहीं ले पाए. तो आइए उनसे जानते और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरी जर्नी को कंप्लीट किया. सबसे पहले अर्पित, कहाँ से हैं आप और एजुकेशनल बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा. जी सर. जी सर, मैं मूल रूप से कोरिया जिले के बैकुंठपुर का निवासी हूँ जी. और मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर से हुई है. बहुत बढ़िया. और उसके बाद मेरा सिलेक्शन AIEEE के माध्यम से NIT रायपुर में हो गया था जी. वहाँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech कम्प्लीट किया जी. कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट भूषण स्टील कंपनी नाम में हो गया था जी. वहाँ मैंने एक साल सर्विस की और उसी दौरान सर मेरे मन में था कि मुझे मतलब एग्ज़ाम्स देते रहना है क्योंकि मैं अपने जॉब्स और इन्वायरमेंट को लेकर के पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था जी. तो जॉब के साथ साथ थोड़ा समय निकाल के पढ़ता था. तो 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए. उसमें मैं लेक्चरर के लिए क्वालिफाई हुआ था और मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था बट अंतिम रूप से मैं उसमें चयनित नहीं हो पाया सर. तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जॉब अब नहीं करूँगा और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा जी. 2018 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. पोस्ट ग्रेजुएशन करने का एक रीज़न ये भी था कि उस समय मैं लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल था लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं था. ओके. तो गेट क्वालिफाइड होने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना सही है और मैं स्टाइपेंड भी मुझे मिलता था तो आर्थिक रूप से भी मैं किसी पे निर्भर नहीं रहा जी. और फिर जब 2018 कंप्लीट होने के समय आया तो ऐसा लगा कि टेक्निकल के फील्ड में ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं आ रहे हैं तो साथ साथ सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जी, मैंने जी. उसी समय फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम आया था तो वो मेरा फॉरेस्ट सर्विस का पहला अटेम्प्ट था जी. तो कुछ मार्क्स से उसमें भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था लेकिन मन में एक पॉजिटिविटी थी कि नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो मैं पूरी ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करूँगा. जर्नी कंटिन्यू रही सर और 2018 में ही मंडल संयोजक नाम की एक परीक्षा हुई थी जी जी. और उसमें मेरा लगभग 22 या 23 रैंक आया था कुछ. ओके. और वेटिंग में नाम रह गया था उसमें लेकिन एक मोटिवेशन मिला था सर कि छत्तीसगढ़ में अब मैं कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा हूँ, किसी एग्जाम में परफॉर्म कर रहा हूँ. अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी मैंने. 2018 में सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब बिलासपुर में शिफ्ट हो गया था तो आपका मुझे सहयोग मिला था काफ़ी और आपने मुझे छत्तीसगढ़ की क्लास करने के लिए अलाउ किया था पाथ में और मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था उस समय मेंस की जी, जी, तो CGPSC के लिए भी मैंने साथ साथ टारगेट किया जी. मैं उस समय पूरी तरह से फॉरेस्ट पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं था क्योंकि वैकेंसीज हमेशा कंटिन्यूस नहीं रहती हैं. फॉरेस्ट की वैकेंसी लगातार रही, लगातार नहीं आती है पर उसका एडवांटेज हर एग्जाम में मिलता है जैसे कि सिलेबस सर कॉमन है जी जी. छत्तीसगढ़ हमको पढ़ना ही है, एप्टीट्यूड पढ़ना ही है, लैंग्वेज पढ़ना है तो ये चीज़ें उस मतलब तैयारी के कारण मुझे हेल्प मिली. और उस समय पाथ का मुझे काफ़ी सहयोग मिला. मैं जब बिलासपुर में रह रहा था टेस्ट सीरीज दे रहा था मेंस की जी जी. और 2019 में सर दो सिलेक्शंस हुए जी. पहला सिलेक्शन मेरा पटवारी में हुआ, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आया. ग्रेट. और असिस्टेंट टीचर साइंस जो एक व्यापम के माध्यम से एग्जाम हुआ था जी जी. जिसमें वर्तमान में कार्यरत भी हूँ उसमें मेरा ओवरऑल मेरिट लिस्ट में 11वां या 12वां रैंक रहा है. अलग अलग जिलों में अलग अलग रैंक आए थे सर. तो एक ये था सर पॉजिटिविटी कि अब मैं प्रयास कर रहा हूँ और कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं
और मुझे दोनों में से कोई एक जॉब लेनी ही थी जी। तो फिर मैं शिक्षा विभाग को मैंने चूज़ किया जी। और कंटिन्यू कर रहा हूँ सर अभी फिलहाल जी। और जी। अब सिलेक्शन हो गया है तब सेटिस्फेक्शन है कि मतलब मेहनत सफल रही। चाह रहे थे वहाँ तक पहुँच ही गए। सो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब आप तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, सोचते हैं क्या मुझे तैयारी करनी है, और इस बीच कई सारे कहीं ना कहीं पर बाधाएं आती हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सोच लेना चाहिए ऐसा, क्योंकि उसका बेनिफिट ये मिलता है कि चलिए किसी पद में आपका सिलेक्शन नहीं हो तो डेफिनेटली आपको बड़े पद के लिए ट्राई करना चाहिए और करते रहना भी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि अर्पित ने धीरे धीरे करके फाइनली अपने आप को वहाँ तक पहुँचा लिया जहाँ वो पहुँचना चाह रहे थे, और 18 से जर्नी शुरू हुई और अभी 23, तो आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स की जर्नी कम नहीं होती। इसमें आपको बैलेंस भी करना पड़ता है, और इस बीच कोविड भी आया, डिस्टर्बेंस भी आई, तो इवन दो आपको बने रहना है, मोटिवेशन अपना बना के रखना है। अर्पित, ये इन सभी परीक्षाओं में एक शेड्यूल, एक कंसिस्टेंसी की डिमांड होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप गाइड करें फिलहाल यहाँ से, कि एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, कोई जॉब मिल गई फिर पढ़ाई कैसे करनी है, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, क्या आपका शेड्यूल रहा है पढ़ने के लिए? सर मैं अपनी गलतियों को बताना चाहूँगा पहले जी, ताकि definitely. बाकी स्टूडेंट्स वो गलती ना करें जी। शुरुआती दौर पे सर मैं किसी का गाइडेंस नहीं ले रहा था जी, और मुझे जो भी नॉलेज इधर से भी मिल रहा था मैं बुक्स कलेक्ट करता जा रहा था, और वो उसके लिए मैं अभी भी सबको, जहाँ पे भी मुझसे कोई पूछ रहा है, मैं सबको बता रहा हूँ कि बुक्स कलेक्शन में आप ध्यान मत दीजिए। आप जिस भी संस्था से या जिस भी आप मेंटर्स को मान चुके हैं जी, जी। उसको उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करिए और बुक्स कलेक्शन में ज़्यादा मत जाइए। अपडेटेड मटेरियल अगर आपको मार्केट में मिल रहा है आप एक बार ले लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। पहले तो ये मेरी गलती थी कि मैंने मटेरियल बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया था और मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया था। सर पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं जॉब में नहीं था तब मैंने क्या कोशिश की। जॉब में नहीं था तो कंसिस्टेंसी की जैसे सर आपने बात की, तो अभी मेरा वही स्टेटमेंट रहता है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम नोट्स बनाने में किसी एक टॉपिक को लेते हैं और दो दो तीन तीन दिन तक एक ही टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं, जबकि ऐसा होता है कई बार कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आए जी, जी। तो वो हमारी 3 दिन की मेहनत बेकार हो गई जी, जी। तो इतने अच्छे अच्छे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर हमको नोट्स ही बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाएं उन नोट्स से जी। और टेस्ट सीरीज दें, और मेंस की टेस्ट सीरीज देंगे तो हमको ये नहीं सोचना है कि अभी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी तब हम टेस्ट देना स्टार्ट करें। बढ़िया, जितना जल्दी हो सके। मैंने जब भी टेस्ट सीरीज दी है मेरे मार्क्स अच्छे ही रहे हैं। जिन सब्जेक्ट्स में मेरी प्रिपरेशन नहीं थी मुझे समझ में आ जाता था कि बहुत पढ़ने की जरूरत है, अभी और करने की जरूरत है, तो टेस्ट देना बिल्कुल कंपलसरी है। टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट आपको टेस्ट करने के लिए, आपको आपकी परफॉर्मेंस समझाने के लिए। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन भी देने का एक सर बड़ा रीजन यही रहा है कि लगातार एग्जाम देने से ना हम स्टेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो हमको पता चलता है। बढ़िया, उसमें भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 6 सब्जेक्ट हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, 4 हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हमको CGPSC में काम आने हैं, तो वही आप पढ़िए। आपको सिलेक्शन लेना नहीं है, उसमें जाना नहीं है आपको, तो आप उन 2 सब्जेक्ट पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करिए, आपको बिल्कुल उस पे आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स पे मैं अब कितना कमांड मेरा आ गया है, और रैंक भी आपको बताती है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो। आप एफर्ट लगाएंगे डेफिनेटली रैंक चढ़ेगी। मैं अगर अपनी जर्नी अगर ऐसे बताऊंगा तो मेरे पास एक एक एग्जाम का रिजल्ट है मेरे पास, और मैं उसको देखता हूँ ऑफिस जाके, किसी में 4,000 रैंक, फिर 3,000 रैंक, फिर 1,000 के अंदर रैंक, फिर 500 के अंदर रैंक, फिर 100 के अंदर रैंक, फिर रैंक 1 आई, तो ये सब मतलब जर्नी जर्नी है, और इससे मोटिवेशन मिलता रहा और ये लगा कि मैं कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहा हूँ तो सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी। बहुत बढ़िया। सो ये जो छोटे छोटे नोट्स बनाकर आपने पढ़ाई की, इसमें करेंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करते रहे आप? करंट अफेयर्स सर मैं मैगजीन्स के थ्रू भी रहा, और यूट्यूब चैनल में भी हम करंट अफेयर्स मिला, और न्यूज़पेपर्स का भी सहारा लिया जी, सर मैंने, और पाथ आई एस का सर टेलीग्राम चैनल मैं लगभग पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उसमें न्यूज़पेपर्स की जो इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ होती हैं उनको जो कट करके भेजना आपने चालू किया तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मुझे कई पेपर्स का एक साथ मतलब समरी मिल जाती थी, और जो मेरे काम की न्यूज़ थी मैं उसमें से मतलब लिख लेता था अपनी कॉपी में जी, जी। साथ साथ स्क्रीनशॉट करके मैं उसको अपने ग्रुप में पर्सनल हम सेव कर सकते हैं वैसा कर लेता था। बहुत बढ़िया। तो फिर मोबाइल में भी रिवाइज करने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता था, तो ये हेल्पफुल रहा। कंटिन्यूस करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहे, मिलता रहा। दोस्तों बहुत सारे छात्र आप में से अवॉइड करते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना, और जबकि मेरा मानना है इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट, और ये ऑक्सीजन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो करंट अफेयर्स के लिए आप लोकल दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं,
नेशनल न्यूज़ के लिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी के हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, डीडी न्यूज़ है, ऑल इंडिया रेडियो है, इनकी साइट से भी आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार में जनसंपर्क विभाग की अपनी साइट है जहाँ से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अर्पित, इसके अलावा भी साइंस के सब्जेक्ट्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है तो ACF में फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पढ़े हुए थे या पहली बार ही पढ़ने का मौका मिला? सर, सिलेबस में पहली बार ऐड हुआ था तो पहली बार ही पढ़े जी। रिसोर्सेज सबके पास लगभग सेम थे, सेम सर थे, किसने कितने डेडिकेट होकर के उसको पढ़ाई किया जी। ये मुझे लगता है ये इस बार के लिए मतलब मैटर ऑफ कंसर्न रहा काफी ज्यादा, क्योंकि सर बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल था और एग्रीकल्चर तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है ACF में, तो जब इसकी पढ़ाई की तो सर मैंने बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया था। एग्रीकल्चर में डीप में जाने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं और सबके नाम याद रख ना पाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये बोल सकता हूँ सर कि नोटिफिकेशन अभी नहीं तो 6 महीने बाद आएगा ही, अगर आपको बिल्कुल इसमें जाना है तो आप अपना बेस अभी से बनाना चालू कर दीजिए, और अभी भी अगर आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री फोकस नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट बाकी सब्जेक्ट भी बहुत वेटेज रखते हैं उनका बेस बना के तैयार रखिए। नोटिफिकेशन आने वाला होगा तो कहीं ना कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को भी उस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल दोस्तों, कुल मिलाकर सब्जेक्ट्स हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल ACF के सिलेबस को अपडेट कर दिया गया। एग्रीकल्चर जो CGPSC का साइंस का पेपर था वही सिलेबस एज इट इज़ 2018 वाले पहले का सिलेबस एज इट इज़ उठा के डाला गया ACF में, और अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है CGPSC मेंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वही सिलेबस फिर से कॉपीड है, उससे ज़्यादा है बल्कि, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी प्लानिंग रही कंटेंट को एक साथ देखने की और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किया, डेफिनेटली एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को आपने ऑलरेडी समझ लिया है कई सारे एग्ज़ाम्स में, फिर भी वहाँ पर कुछ होने वाली गलतियाँ जिससे हम स्टूडेंट्स को बचा सकें? सर, एक मैं अपना मतलब आपको सुन के काफ़ी हंसी आएगी इस बात को कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था फॉरेस्ट सर्विस का तो मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर था उसके आसपास काफ़ी माइक और ये जो लाउड स्पीकर चल रहे थे उस एनवायरनमेंट में मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे ऐसा लगता कि हमेशा हर समय हमको पीस नहीं ढूंढना चाहिए कि हम पीसफुल एनवायरनमेंट में ही पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे तो हमारा मतलब सिलेक्शन होगा, और ये सिचुएशन थी और उसके बीच में एग्ज़ाम देना, तो ये लगा कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी अगर आसपास है तो उस एनवायरनमेंट में भी हमको एग्जाम देने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमको जो सेंटर मिलेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। Exactly. और सर, तैयारी के रिगार्डिंग ये बताना चाहूंगा सर कि 2021 में, क्योंकि 20 में नोटिफिकेशन आ गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी लेकिन एग्जाम होगा ये तो श्योर हो गया था, और तैयारी करता रहा मैं। जॉब में आने के बाद मेरा ये रूटीन रहा था कि मेरी जॉब जो है वो सेकेंड शिफ्ट में रहती थी, 12 से लेकर 5 बजे तक मेरी जॉब रहती थी, तो मैं लगभग 5 बजे निकलने के बाद नाश्ता करके लाइब्रेरी में बैठ जाता था, और मैंने 2 सीटिंग्स रखी थी अपने लिए। एक सीटिंग में लगभग 6 बजे से 8:30 या अगर एनर्जी रहती थी बॉडी में तो 9 बजे तक खींच लेता था। बढ़िया। फिर निकल कर टिफिन करता था, थोड़ा वॉक करता था, अपने माइंड को रिफ्रेश करता था। नालंदा परिसर का मैंने यूज़ किया था सर अपनी पढ़ाई के लिए जी। और फिर उसके बाद दोबारा फिर पढ़ने बैठता था तो 2.5 घंटे या 2 घंटे लगभग मैं खींच लेता था जी। और जैसे एनर्जी नहीं रहती थी, ये वेरिएबल था, तो फिर मैं उसके बाद घर चला जाता था और अच्छी नींद आती थी सर पढ़ाई करने के बाद और सुबह 1-2 घंटा निकल जाए तो ठीक है जी। और कोशिश करता था, ये एग्जामिनेशन टाइम का सर मेरा ज़्यादा मतलब ही रहा था। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रोज 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, रोज कंसिस्टेंट रहें तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल अब इंटरव्यू पे बात करना चाहूँगा, क्या रहा इंटरव्यू, कैसा रहा इस बार जो ACF का एग्ज़ाम आपने दिया और किस तरह के क्वेश्चन रहे? जी सर, सर इंटरव्यू की तैयारी करते समय पाथ आई है सर, मुझे अच्छे टीचर्स का और अच्छे जो गाइड आए थे बाहर से, ऑफिसर्स आए, तो जो चारों ऑफिसर्स आए थे उन्होंने मुझे लेजिस्लेशन भी बताया फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में मतलब क्या क्या क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो बताया। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ट हो गया था मेरा यहाँ पर आने के बाद। 2 बार मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया, लास्ट टाइम जब रिजर्वेशन का इशू नहीं आया था तब भी, और उसके बाद अभी भी, तो जो मेरी प्रोफाइल थी उसमें से क्वेश्चंस एक्सप्लोर करके दिए गए मुझे, तो कहीं ना कहीं वो भी इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया, जैसे कि सर मेरा ड्राइवरलेस कार का प्रोजेक्ट रहा था कॉलेज में, और इंडिया में ड्राइवरलेस कार को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस पर बहुत सारे बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था,
तो वो लीडर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं सर ड्राइवरलेस कार, और फॉरेस्ट में सर्वे करने के लिए भी लीडर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने दोनों को कोरिलेट किया, और इस चीज़ को जब मैंने अपने इंटरव्यू में कोट किया तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया। तो इसका मुझे एडवांटेज जो आंसर दिया वो मैं चाहूँगा स्टूडेंट से शेयर करें। जी सर, मुझसे पूछा गया कि आप जो ये ड्राइवरलेस कार है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फॉरेस्ट में, और तो मैंने बताया कि सर पैनल में तो मैडम थी, तो उनको मैं पैनल को पूरे बताया कि जो ये जो ड्राइवरलेस कार है इसका मैं एक ऑल टेरेन व्हीकल आगे चल के प्रपोज करूंगा अपने सीनियर्स को। जो फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट स्पेशली वहाँ पर सर्वे करने में हमको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा तीन प्रॉब्लम्स को मैं मेनली सॉल्व करना चाह रहा था ड्राइवरलेस कार के माध्यम से। पहला, हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं सर्वे करने में तो बिल्कुल हेल्प मिलेगी ही। दूसरा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उस टाइम पे हमको ये व्हीकल हेल्प कर सकती है, क्योंकि उस समय किसी भी इंसान का उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं रहता है, और ऑफिसर्स की भी जान इसमें जोखिम में रहती है। और सर, हमारा स्टेट कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है, तो वहाँ पे भी सर्वे करने के लिए प्लस सर्विलेंस करने के लिए ये हमको व्हीकल बिल्कुल काम आ सकती है। तो इसने मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल साइड में अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया रहा आपने, मतलब क्रिएटिव और अपने हॉबी एक तरह से आपने जो काम किया उसको कनेक्ट कर दिया वहाँ पर। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुए? हाँ, मुझे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद आता है सर कि नरवा गरवा गुरवा और बाड़ी का वन में क्या उपयोग है सर? अच्छा, ये प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसका उत्तर अच्छा दिया। जैसे कि सर मैंने बताया कि सर नरवा मिशन चल रहा है राज्य का, और मैंने बताया कि 7 से 30 सेंटीमीटर तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो चुका है, और उससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कमी आई है, साथ साथ जो फॉरेस्ट की प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पानी का लाभ मिल रहा है, साल भर उनको खेती करने के लिए पानी मिल रहा है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि सर क्योंकि गोठान मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में तो बनी रहे हैं, साथ साथ आवर्ती चराई की एक योजना चलाई जा रही है वन विभाग के द्वारा, उसमें भी चारागाह विकसित किए जा रहे हैं, और चारागाह विकसित करने से भी क्योंकि हमारे जो पशु हैं वो जंगल में नहीं जा रहे हैं तो वनों का संरक्षण हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो वो मेरे उत्तर से मुझे ऐसा लगता है सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। कितना 20-30 मिनट चला होगा? सर लगभग 18 मिनट्स लगभग चला था। हाँ, ओके। सो दोस्तों देखिए, आपकी कोई हॉबी होती है, आपने स्कूल में काम किया, प्रोजेक्ट पर काम किया, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम आती हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही काम आती हैं। और इसका एक सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उन आंसर्स को देते वक्त कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इनोवेशंस लेकर आते हैं आप अपने आंसर्स में, ऐसा मेरा मानना है। अर्पित, ओवरऑल इस फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद कोई ऐसा ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहोगे सोसाइटी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? आपको लगता होगा कि ये सर मुझे करना, अब जॉब मिल गई, अब मैं ये सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ? सर मैं इंटरव्यू के दौरान भी ये चीज़ कोट करता था कि जैसे योजनाएँ चल रही हैं तो पहले मेरा जो मेजर जो रहेगा जॉब को अपनी जस्टिस करना उसके साथ, और योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना, जैसे बिगड़े वनों का विकास करना मेरी प्रायोरिटी है। और सर बैम्बू में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बैम्बू इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप की जा सकती है, और इससे लोगों के लाइफ में सर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैम्बू सर रिसोर्सेज बहुत है छत्तीसगढ़ में, और अगर हम इससे स्किल डेवलपमेंट करके और वैल्यू एडिशन करके हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी छत्तीसगढ़ हर्बल्स कर ही रहा है उसी तरह से बैम्बू के डायरेक्शन में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, हर किसी का ड्रीम होता है, इस तरह से आप अचीव करना चाहते हैं, और खासकर जब आप किसी एक पोस्ट पर चले जाते हैं तो वहाँ से आगे आप और प्लस ऐसा सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। इसके अलावा भी जो रूरल एरियाज़ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मे बी आपके शहर के, आपके क्षेत्र, आपके ज़िले के एरिया के बच्चे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतने दिनों में आपने देख लिया कि हाँ किया जा सकता है, एक तैयारी स्लो ही सही लेकिन करना चाहिए, कर सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाइडेंस मिले तो जल्दी अचीव किया जा सकता है जी। और इस फील्ड में अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल मन बना कर के आइए कि मुझे पीछे नहीं लौटना है और पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि अगर हम हाफ हार्टेड किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। और पेशेंस बिल्कुल मांगता है, और हमारा भी 2020 में नोटिफिकेशन आया था, कुछ बीच में चुनौतियां रहीं, लेकिन अपना माइंडसेट मैंने बना के रखा था और बाकी लोग भी और भी जो अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो उन्होंने भी अच्छा अपना माइंडसेट बना के रखा था। तो पेशेंस आपका लाइफ में जॉब में भी चेक होगा, तो अगर आप यहाँ पेशेंस रख सकते हैं तो वहाँ पर भी रख पाएंगे, और आपकी जर्नी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। दोस्तों एक और चीज़ मैंने नोटिस की है जो अर्पित
के साथ बातचीत करते वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार होता है आप कोचिंग करके आप गायब हो जाते हैं, सीन से हट जाते हैं, जबकि मुझे लगता है जहाँ से आपने मार्गदर्शन लिया, चाहे जो भी कोचिंग हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उनके टच में रहिए, एटलीस्ट अपने फेलियर और आपकी जो परेशानियाँ उनको शेयर कीजिए टीचर्स के साथ। हो सकता है वो कोई रास्ता बताएं कि भाई आप यहाँ आंसर गलत लिख रहे हैं, आपको यहाँ मेहनत करनी चाहिए। होता क्या है, आपको लगता है कि हमने तैयारी तो की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब टीचर को मुँह क्या दिखाएंगे। सो इस अप्रोच से आपका सिलेक्शन और पीछे हट जाता है। हो सकता है टीचर आपकी गलतियों को आपको बता दें कि भाई यहाँ यहाँ मिस्टेक्स हैं। सो बेटर है आप टच में रहिए अपने टीचर्स के, अपने कोचिंग संस्थान या आपके जो भी मेंटर हैं, जरूरी नहीं आप कोचिंग के ही छात्र हों, तो उनसे भी आप टच में रहिए और मार्गदर्शन लेते रहिए। सो अर्पित, ओवरऑल एक सक्सेसफुल जर्नी, क्या इसके बाद भी और कोई एग्ज़ाम आप देने का इरादा है? सर एक चीज़ बस और बताना चाहूँगा कि 2021 में जब ये एग्ज़ाम हुआ, जिसके अलावा व्यापम के भी दो और एग्ज़ाम हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें एक में ही सक्सेस मिले। मे भी ऐसा हो सकता था कि फॉरेस्ट सर्विस में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके अलावा व्यापम के भी दो एग्ज़ाम हुए थे, एक प्रोजेक्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था, एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था। तो प्रोजेक्ट रेंजर वाले एग्जाम में मुझे 15th रैंक मिली थी स्टेट में, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट रेंजर में मुझे 1st रैंक मिला था स्टेट में। तो मतलब हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए और द्वार खुल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और सर फ्यूचर में पढ़ाई करूंगा कि नहीं, इसके लिए मैं अभी डिसीजन लेने वाला हूं, और इसके लिए मैं आपसे भी गाइडेंस लेना चाहूंगा। और मुझे कई लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत बढ़िया। पर मैं अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी जाना चाहता हूं, तो अभी मैं सर इसके लिए डिसीजन लूंगा। वेरी गुड, ठीक है। होता है आप बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं अपनी लाइफ के लिए, लाइफ में सेटल भी होना जरूरी है, और एग्जामिनेशन देते देते एक थकान भी आती है डेफिनेटली, माइंड आपका बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब यहाँ से फ्री हो जाएं। सो दोस्तों इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ कंपटीशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एग्जामिनेशन को किस नज़रिए से देखते हैं, इसे कॉम्पिटिशन के नज़रिए से देखिए, और आपका कॉम्पिटिशन आपसे खुद से है, बिकॉज हर वक्त आपको अपनी रैंक सुधार करनी है, कोई और आपके कॉम्पिटिशन में आता नहीं। बेसिकली एवरीडे आपको अपने आप में सुधार करना है। सो हमारा कंपटीशन दूसरों से हो भी नहीं सकता। सो इसलिए स्वयं का विश्लेषण कीजिए, आकलन कीजिए, टेस्ट देना है दीजिए, जहाँ जैसा लग रहा है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन आप पीछे मुड़कर मत देखिए। यही मूल मंत्र अर्पित की सफलता से हमें मिलती है। अर्पित ओवरऑल एक अच्छी तैयारी करते हुए मैंने देखा है, ओवरऑल पाथ का सपोर्ट रहा बिल्कुल इतने दिनों से रहा है जैसा भी आपने। सो किस तरह से आपने बेनिफिट लिया, और छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बीच आपको भी लगा होगा कि मैं हाँ और कनेक्ट हो जाता, और मैं मिल लेता, और मैं कनेक्ट हो जाता, चाहे कोचिंग कोई भी हो, आपने तो खैर पाथ में आप रहे, ओवरऑल एक अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे छात्रों को? सर कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटर के साथ। लास्ट ईयर जब 2022 में इंटरव्यू की डेट आ गई थी, तब मैं आपसे मिला था, आपने मुझे कहा था कि अर्पित जितने बार भी तुम्हें मॉक देना हो दो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जो मुझे गाइडेंस मिला है सर, उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट हुआ था सर। मैंने और भी मॉक दिए, लेकिन जो मुझे पाथ में जिस तरह का गाइडेंस मिला, ऑफिसर्स यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उन्होंने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो एनर्जी डबल हो गई थी कि नहीं इसमें सिलेक्शन लेना है, इस डिपार्टमेंट में जाके काम करना है। काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी अच्छा रहा। इसीलिए हमारे जो मेंटर्स रहते हैं, गाइड रहते हैं, जिसको आपने मान लिया है या मना लिया है, वो उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अप्स एंड डाउन्स आते हैं कई बार, और जब डाउन्स आते हैं ना, उस टाइम पे आपको अच्छे फ्रेंड्स या मेंटर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। बढ़िया। तो अगर जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। जी जी। और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। जी। एक और, सोशल मीडिया में बच्चे परेशान हैं एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। सो हम तो खैर मानते हैं 100% की कहीं भी कोई लूपहोल नहीं है, डेफिनेटली है भी नहीं, आपको इन सब चीज़ों से अलग हट के तैयारी पर फोकस करना चाहिए। अर्पित कैसे देख पाते हैं चीज़ों को, सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट नज़र आता है? हमारी नज़र से तो हम 100% कहते हैं, फिर भी आपके मुँह से छात्र ज़रूर सुनना चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी को लेकर या कमीशन के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, प्लीज़। सर आजकल बहुत आसान हो गया है नेगेटिव न्यूज़ फैलाना जी सोशल मीडिया, और एक मैसेज अगर नेगेटिव होता है तो सबका फोकस उस नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, इसीलिए हम बहुत सारे लोग, मैं जिनको जानता हूँ उनका भी सिलेक्शन हुआ है, मैं अपने सिलेक्शन को भी लेकर के यही कह सकता हूँ। और
अभी भी बहुत सारे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और मार्क्स कम या ज़्यादा होना कई बार किस्मत पे भी निर्भर करता है। जैसे आपका इंटरव्यू किसी दिन अच्छा नहीं गया तो आपको मार्क्स कम मिल गए इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आप अपने में सुधार कर सकते हैं। सिस्टम पे क्वेश्चन कर अगर एक व्यक्ति करता है तो 100 लोग और करना चालू कर देते हैं और वो पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाता है। अल्टीमेटली ये आपको इफेक्ट करेगा नेगेटिवली और आप अचीव नहीं कर पाएंगे और आपसे मतलब लोग सब बातों में पोसते रहेंगे और प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। जी जी। और नेगेटिव माइंडसेट से चीज़ें अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आपको नकारात्मक खबरों से दूर रहना है, और आप देख पा रहे हैं एक छात्र कई सारे एग्जामिनेशन को ट्राई करके पहुंच रहे हैं, अलग अलग रैंक हैं, लेकिन जब रैंक कम रही होगी अर्पित की तो उन्होंने शायद कभी आरोप नहीं लगाया होगा कि अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कहीं पर कोई दिक्कतें हैं, बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने अपनी मेहनत पर फोकस किया और फोकस करते हुए आज देखिए आज ACF के पद पर आप बैठे हैं। सो ये प्रयास करते चलना है, रुकना नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, आपको देखना है कि इस अर्थ इस सुंदर से प्लैनेट में हम मानव समाज में किस तरह से अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। और छात्रों के जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, असफलता को ये मत मानिए कि सिस्टम की खराबी है, कहीं ना कहीं हमें फाइटिंग मोड में आना चाहिए। और बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा सिस्टम है, सिस्टम में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी तैयारी पर भरोसा कीजिए, उन गलतियों को समय के हिसाब से लोग सुधार भी रहे हैं, और हर बार सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। सो ओवरऑल दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्पित अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों इंटरव्यू आप देखते रहिए, बाकी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें पोस्ट करते रहें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सर।